वीवो T2X एंड Y56 के ऊपर एक नया अपडेट आया है इस महीने के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको इस अपडेट के बारे में डिटेल में बताया था। अपडेट के अंदर कई जगह पे चेंजेस है, इंप्रूवमेंट है, प्रॉब्लम है, वो भी शेयर कर देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। बाकी वीडियो का इन्फॉर्मेशन इस भाई ने शेयर किया, तो इनका थैंक्स इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सबसे पहले अगर वीवो T2X के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है, इसका अपडेट वर्जन है 14.1.10.11.10.18 का। अपडेट का साइज है 335 MB का। अपडेट लॉक को देखेंगे तो June 1 का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो अच्छी बात है। साइज फोन के अंदर स्मूथनेस के ऊपर इन्होंने काम किया, UI के ऊपर इन्होंने काम किया। एंड एक्चुअल में बताऊंगा, अपडेट देने के बाद फोन स्मूथ हो चुका है, आपको एप्लीकेशन यूज करने के टाइम पता चलेगा कि हाँ भाई फोन के अंदर स्मूथनेस तो है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी अपने ऑप्टिमाइज कर दिया, जो कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको वाईफाई स्विचिंग को लेकर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, उसको भी अपने फिक्स कर दिया। तो अपडेट लॉक बहुत ही बेसिक है, तो इसलिए शॉर्टली आपको बता दिया। बाकी कुछ चेंज है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ग्लोबल सर्च का ऑप्शन आपको थोड़ा बेटर अभी देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर बेसिकली जो है, कोई भी एल्बम के अंदर अगर आप कोई भी फोटो को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अभी एक नया ऑप्शन मिलता है गूगल लेंस करके। गूगल लेंस के ऊपर क्लिक करने से क्या होता है कि भाई जो भी फोटो आप एल्बम के अंदर देख रहे हो डायरेक्टली गूगल सर्च करके आप चेकआउट कर सकते हो। इवन कोई प्रोडक्ट हुआ तो उसको डायरेक्टली गूगल के थ्रू परचेस कर सकते हो। तो एक बढ़िया ऑप्शन है गूगल लेंस का, जो ऑप्शन उन्होंने एल्बम के अंदर ऐड किया है। साथ ही साथ चार्जिंग के टाइम आपको डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कुछ कुछ जगह पर ऐसे छोटे मोटे चेंजेस है इस अपडेट देने के बाद, तो इसलिए बोलूंगा अपडेट थोड़ा बहुत अगर आप करना चाहते हो तो इसको कर लो। थोड़ा बहुत मीन से अपडेट अगर आप करना चाहते हो तो इसको कर लो। बाकी अपडेट देने के बाद अभी भी नॉर्मली स्मूथनेस के ऊपर जैसे मैंने बोला अच्छा खासा इन्होंने काम किया है। फोन मक्खन लगभग आपको लगेगा, यूज़ फोन मक्खन हो चुका है ऐसा लगेगा आपको यूज़ करके। बट अभी भी कुछ कुछ जगह पे हीटिंग इशू है, गेमिंग एंड कैमरे का यूज़ करने के टाइम आपको गेमिंग इशू मतलब हीटिंग इशू अभी भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर ना कुछ कुछ टाइम नेटवर्क के अंदर फ्लक्चुएशन भी मिल जाएगा। बट ये जो फ्लक्चुएशन का इशू है ना, हर सिटी में नहीं है, कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया में ये फ्लक्चुएशन का इशू आ रहा है। बैटरी बैकअप की बात करूँ, बैटरी बैकअप के अंदर कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन्होंने नहीं किया है। पिछले अपडेट में जैसा था सेम मिल जाते हैं आपको, मतलब नॉर्मल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करेगा तो 8-9 मिनट में 1% का ड्रॉप है, एंड गेमिंग के टाइम 2-3 मिनट में 1% का ड्रॉप है। तो बेसिकली ऐसा ही आपको बैटरी बैकअप लगभग वही 6-7 घंटे का मिल जाता है डेली बेसिस पे। तो डिसेंट अपडेट है, अगर आप चाहे तो इस अपडेट को कर सकते हो अपने फोन के ऊपर, ठीक ठाक अपडेट है। चलो कुछ वीडियो में कहने का, वीडियो खत्म करते पसंद तो लाइक चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।